बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम अदनान ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जो कि मेरे ही नाम से बना हुआ है, अदनान ख़ान के नाम से। दोस्तों, i15 का जो बाकी एरिया था उसकी अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले आपको i15 2 की वीडियो आपके साथ शेयर की थी। अभी जो बाकी एरिया है, ये वीडियो बाकी एरिया की अपडेट पर है। ये i15 2 और 1 का सेंट्रल रोड है। ये i16 की तरफ जाता है और i15 से ये स्टार्ट होता है और i16 तक ये रोड जाता है। और ये लेफ़्ट साइड पे कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज़ हैं उनका साइट ऑफिस है और ये रोड सीधा i16 की तरफ जा रहा है। ये सामने जो आपको रोड नज़र आ रहा है ये i14 से आ रहा है और ये राउंड अबाउट बनता है। राइट साइड पे मरकज़ है, i15 का मरकज़ है। और ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है ये i15 1 का एरिया है। इसकी डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है, रोड्स बन चुके हैं, ओवर हेड वाटर टैंक भी रेडी हैं इसके। सेक्टर 3 स्ट्रीट नंबर 45, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है। और ये दूसरी स्ट्रीट जो है ये 41 है। बारिशों की वजह से ये रोड टूट चुका है। जहाँ बारिशों की वजह से बाकी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है और नुकसान हुआ है, वहाँ ये रोड भी टूट चुका है। सेक्टर i15 का सर्विस रोड वेस्ट कहलाता है ये, और इसके राइट साइड पर i16 सेक्टर है। बारिशों की वजह से इस रोड को भी कुछ जगह पे नुकसान हुआ है, कुछ जगह से ये रोड भी डैमेज हुआ पड़ा है। और i15 1 सेक्टर का डेवलपमेंट का काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, ये जो रोड है ये i15 का जो मरकज़ है ये वो रोड है। राइट साइड पे i15 1 और i15 4 का एरिया है। ये जो टैंक ओवर हेड वाटर टैंक जो आपको नज़र आ रहा है ये i15 1 के अंदर है, और जो दूसरे सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं वो i15 4 के अंदर हैं। i15 1 और 4 का डेवलपमेंट का काम कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन बारिशों की वजह से यहाँ भी जो रोड्स हैं वो तोड़ फोड़ का शिकार हैं। काफ़ी जगह से रोड टूटा हुआ है, तो अभी आगे आपको वीडियो में नज़र भी आएगा, कुछ जगह से रोड टूटा हुआ जो है वो नज़र आएगा और काफ़ी रोड डैमेज हो चुके हैं बारिशों की वजह से। ये रोड MCDRW कहलाता है और लेफ़्ट साइड वाला रोड MCDRE कहलाता है। और ये मिड बनता है i15 1 और i15 4 का, और इसके बैक साइड पे मरकज़ का एरिया है। और बारिशों की वजह से यहाँ भी रोड काफ़ी जगह से डैमेज हो चुका है।
कुछ दोस्तों ने डिटेल वीडियो की रिक्वेस्ट की थी कि i15 सेक्टर की डिटेल वीडियो बना के शेयर करें, तो मैं उन दोस्तों को बता दूं कि कुछ एरियाज़ जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं थे, वो कुछ जगह से रोड टूटा हुआ है और कुछ वैसे ही रास्ते बंद किए हुए हैं, तो वो एरियाज़ जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं थे। जो एरिया एक्सेसिबल था उसकी मैंने वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल अदनान खान के नाम से जो है उसको सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसी जो नई वीडियो आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।